बिहार के बाहुबली आरजेडी नेता शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं। पटना हाईकोर्ट से राजीव रोशन मर्डर केस में जमानत मिलने के बाद शहाबुद्दीन की भागलपुर जेल से रिहाई हो गई। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। शहाबुद्दीन के स्वागत के लिए रात से ही समर्थक जेल के बाहर जमा थे। वहीं राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक भी शहाबुद्दीन की अगवानी के लिए पहुंचे थे। जेल से बाहर आने के बाद शहाबुद्दीन ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ही मेरे नेता हैं, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, सब जानते हैं कि मुझे फंसाया गया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने शहाबुद्दीन की रिहाई को बिहार में जंगल राज की वापसी बताया है। बीजेपी का कहना है कि शहाबुद्दीन की रिहाई से फिर से दहशत का माहौल बनेगा। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन दो भाइयों की तेजाब से नहलाकर हत्या करने और बाद में हत्याकांड के इकलौते गवाह और उनके तीसरे भाई राजीव रोशन की हत्या के मामले में भागलपुर जेल में बंद थे। दोहरे हत्याकांड में उन्हें हाईकोर्ट से फरवरी में ही जमानत मिल चुकी थी। बुधवार को गवाह की हत्या के मामले में भी अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। इसके बाद उनकी रिहाई हुई है। तो शहाबुद्दीन जेल से रिहा हो गए हैं और जेल से बाहर आते ही उन्होंने नीतीश और लालू पर बयानबाजी कर सूबे की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।